नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि 2024 में गणित में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो जो 2023 का पेपर है पूरे प्रश्नों का एक्सरसाइज हल करिए और उसको क्या करिए, याद कीजिए, जिससे कि आप 2024 में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार का पेपर आएगा जो 2023 में आया है, इसी से मिलता जुलता इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो देखिए 2023 गणित, और ये है निर्देश आपके सामने, पूर्णांक कितना है 70 है। और ये निर्देश पढ़ सकते हैं कि ये जो है दो खंड होंगे अ और ब, तो अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे भाई, यानी 20 प्रश्न ऐसे होंगे जिसके चार उत्तर दिए हों रहेंगे और एक उत्तर सही रहेगा, जिसको OMR शीट पर जाकर आपको क्या करना होगा, गोले को काला या नीला करना होगा, व्हाइटनर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। और ब में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णात्मक प्रश्न होंगे, बड़े प्रश्न होंगे। ब में कुल 5 प्रश्न होंगे और बाकी ये निर्देश। तो देखिए किस प्रकार का पेपर आ सकता है, 23 का पेपर है लेकिन 24 में इसी प्रकार का पेपर आएगा। तो देखिए द्विघात समीकरण आपके सामने है, लिखा है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए। यह है समीकरण 3x² - 6+4=0 का विविक्त कर होगा, तो अचार विकल्प दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि डी विविक्त कर को डी से प्रदर्शित करते हैं, b² - 4ac ये सूत्र होता है। तो बी की जगह क्या लिखा है, -6 लिखा है, -4 ए की जगह क्या है, 3 है, 3 लिख दिया गया, और सी की जगह क्या है, 4 है। अब यदि हम इसको सरल करेंगे तो 6×6=36 और -4×3=12 और 12×4=48 और कितना आ गया आंसर, -12। तो कौन सा आंसर सही है, -D। तो OMR शीट पर जाइएगा और डी गोले को आप नीला या काला करिएगा, डार्ट पेन से याद रखिएगा। तो ये पहला प्रश्न हुआ, इसी प्रकार का प्रश्न आएगा 24 में भी, इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब अगला है कि दूसरा जो प्रश्न आपके सामने है, दिया है कि समीकरण 3x+2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो देखिए इसका y का मान ऑलरेडी दिया है 0, x की वैल्यू हम यदि निकाल लेंगे तो वहीं हल होगा। तो इसमें रखिए 3x+2 और y की जगह 0 रख देंगे = 6, तो ये आ जाएगा 3x+0=6 और 3x = 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसका जो हल होगा 2 होगा और 0 होगा, 2 x की वैल्यू 2 और y ऑलरेडी क्या है, 0 है, तो पहला विकल्प ही सही है। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगले पेज पर जो 2024 में आएगा प्रश्न वो इसी प्रकार का होगा, पेज नंबर 2 आपके सामने और प्रश्न तीसरा है। ध्यानपूर्वक देखिए इन प्रश्नों को, आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो लिखा है यदि बिंदु ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु α/8,4 है तो अल्फा का मान होगा। तो हम जानते हैं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है, तो तीसरा है प्रश्न देखिए, x1+x2/2, y1/y2/2। अब यहाँ हम निकालते हैं और ये मध्य बिंदु दिया है, दोनों का हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x1 जो है -4 है और x2 क्या है, 5 है, लिख दिया हमने। और यहाँ y1 कितना आपका है, 2 है, y2 6 है, और ये आ गया एक बटे जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, ये आ जाएगा 8, 8/2 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। लेकिन देखिए 4 यहाँ 4 यहाँ, लेकिन यही अल्फा बटे कितना दिया है, 8,4। तो यहाँ x की वैल्यू इतनी है, यहाँ x की वैल्यू इतनी है, दोनों क्या है, बराबर होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं α/8 = 1/2, त्रिक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा
यहाँ चला जाएगा अल्फा बराबर 8/2 = 4। तो तीसरा का जो उत्तर सही है ये बराबर 4 यानी बी ही सही है। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने जो है लिखा है, यदि त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 603 सेमी, एसी बराबर 12 सेमी, बीसी बराबर 6 सेमी, तो बी का मान होगा। देखिए पहले चित्र बना लीजिए, एबी दिया है, एबी दिया कितना 6√3। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे 24 में भी, इसी एकदम सेम मिलता जुलता। तो ये हो गया ए बी, और ए सी कितना दिया 12 दिया है, 12 कर देते हैं, और बी सी कितना दिया है 6 दिया है सी। अब देखिए यदि इसका योग वर्ग करने पर भुजाओं का वर्गों का योग इसके ये वर्ग के बराबर, तो यहाँ ए बी निकालेंगे कि ए बी का वर्ग करेंगे तो 6√3, और ये हो जाएगा 6×6=36, अब ये वर्ग होगा तो 6×6=36 × 3 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। और ए बी हो गया आपका, बी सी देखिए बी सी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 हो गया। और ए सी का स्क्वायर कितना होगा भाई 12 का स्क्वायर = 144, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 144, यानी इस भुजा का वर्ग कितना आ गया योग 144, ए बी 144। इसका अर्थ है कि यह कोण क्या होगा 90 डिग्री का, ए विकल्प सही। अब ध्यान से देखिए अगला प्रश्न लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 17 प्राप्त होते हैं। भाई बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिसे विभाजित करने पर, यानी मौसम में निकालना है, 8 और 5 प्राप्त होता है होगी कितनी क्या होगी। तो देखिए वह संख्या मान लेते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे 125 को तो 8 से शेषफल बचेगा, 70 को से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। तो पहले करते क्या हैं, इस प्रकार के प्रश्न में 125 में से आप 8 को घटा दीजिए तो कितना बचा 117, कितना बचेगा 117। और क्या करिए यहाँ पर कितना दिया 70, 70 में से 5 घटा दीजिए कितना बचेगा। अब इन दोनों का मौसम निकालिए तो इसका मौसम कितना होगा भाई 13 होगा, 13×5=65, 13×9=117। तो इसका सही उत्तर क्या है बी है, निकाल सकते हैं आसानी से। अब अगला प्रश्न आपके सामने है 6वां, यदि समीकरण x²+kx-6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा, एक मूल यानी x की एक वैल्यू दी गई है -2 है तो k का मान, तो x की एक वैल्यू -2 है तो लिख देते हैं इसी 6वां में, देखिए x की जगह -2² हो जाएगा प्लस k -2 हो जाएगा -6 = 0 हो जाएगा, तो 4 हो गया, ये 2k हो गया और ये 6 हो गया -6। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2k - 2 बचेगा। अब देखिए पक्षांतर करेंगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा माइनस, इधर कर देंगे -1 हो जाएगा। तो 6वां का जो आंसर होगा सी होगा, सही विकल्प क्या है 6वां का, ये k की वैल्यू क्या होगी -1। अब देखिए अगला प्रश्न है 7वां, तो इसी प्रकार के प्रश्न 24 में भी आएंगे, केवल अभ्यास कीजिएगा और हम पेपर आपके सामने लाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो 7वां प्रश्न आपके है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है 12 सेमी 16 सेमी, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। समचतुर्भुज देखिए, समचतुर्भुज इस प्रकार का होता है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ, समचतुर्भुज देखिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं,
ये देखिए इस प्रकार का होता है, चार भुजाएं बराबर होती है और चार भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा समांतर होती है और विकर्ण दिया है, एक 12 दिया है और ये क्या दिया है 16, तो इसको मान लेते हैं 12, ए बी सी डी ये हो गया आपका, तो छोटा वाला 12 यानी 12। अब विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, तो यदि पूरा 12 है तो ये कितना होगा 90 डिग्री होता है, तो यदि पूरा 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 12 हो गया, ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये क्या है समकोण है, तो समकोण का मतलब होगा एडी हम निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 6 का 36, 8 8 64, ये हो जाएगा अंडर रूट 100 यानी 10 हो जाएगा, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो बी विकल्प सही है। अब देखिए आगे अपना प्रश्न, आठवां प्रश्न क्या है भाई, ये आठवां प्रश्न आपके सामने है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, 90 से क्या है छोटा और इस जीरो से बड़ा, इसी के बीच में है थीटा का मान होगा, देखिए ये आठवां है आपका, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा भाग दे दीजिए इधर कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा से भाग दें दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, और ये हो जाएगा साइन टेन थीटा बराबर 1, और टेन थीटा टेन 1 हो गया, और टेन 1 का मान कितना होता है टेन 45, यदि टेन 45 लिख देंगे तो 1 के बराबर होगा, टेन टेन से कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया हमें 45 डिग्री, तो बी विकल्प सही है, आठवां का क्या है बी विकल्प सही है। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर, नवा प्रश्न देखिए, लिखा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल, 144 का आप गुणनखंड करेंगे तो सीधे सीधे 12 गुणे 12 करिए पहले, और फिर आप लिख सकते हैं इसको 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, और इस 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया ना, देखिए 4 3 12 4 3 12 3 हो गया, तो 2 के कितने घात होंगे भाई 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात, अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका, और 3 कितनी बार है 2, तो घातों का योग तो 4 × 2 = 6, ये सी विकल्प सही है, यही पूछा है प्रश्न में। अगला प्रश्न है बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी, देखिए थोड़ा समझिए इस प्रश्न को, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, यही होता है, तो ये आपका कहाँ है द्वितीय में है, और एक्स की वैल्यू -3 है, तो यहाँ आएगा और वाई का मान 5 इस साइड में आएगा, तो ये आपका क्या है एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये क्या है वाई एच है, तो ये बिंदु लगभग यहाँ पड़ेगा यानी 3 5 3 और 5, तो वाई एच से दूरी बिंदु की ये देखिए 3 होगी, वाई एच से इसकी दूरी कितनी होगी 3, माइनस 3 दूसरी तरफ, ये विकल्प सही है। अब ये प्रश्न आपके सामने है, कौन सा प्रश्न है, ये 11वां प्रश्न, तो देखिए 11वां प्रश्न, साइन 15 डिग्री बटे कास 75 डिग्री का मान होगा, तो साइन 15 डिग्री और कास 75, 90 माइनस यदि 15 कर देंगे तो क्या मिलेगा हम 75 ही मिलेगा, ठीक है 90 में से 15 घटा देंगे तो 75 ही आएगा, तो साइन 15 डिग्री और ये सूत्र से हो जाएगा साइन 15 डिग्री बराबर 1, कौन सा विकल्प सही, पहला विकल्प सही है। और ये प्रश्न जो 12वां प्रश्न है ये आप हल कर सकते हैं, बहुत आसान है, और इसका जो आंसर होगा हम बता दे रहे हैं ये डी वाला आंसर होगा, ठीक है डी वाला होगा,
अब हम हल करके बता ही देते हैं आपको फटाफट। देखिए अब तो इसको ऐसे बनाना होगा ना, ये अंतराल है 10, 20, 20, 30 है, 30, 40 है, 40, 50 है, और इसका मध्य बिंदु लिख देते हैं 5, यक्ष प्रदर्शित करते हैं, इसका मध्य बिंदु कोई 15, इसका मध्य बिंदु 25, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, इनको जोड़ेंगे 70 आएगा, 35, 90 आएगा, 45, और इसका जो बारंबारता यफ दिया है, पहले का दिया है 5, दूसरे का 6, और तीसरे का कितना भैया, ये 5 है, फिर 3 है, और फिर 1 है, और दोनों का गुणा कर दिया फ्यक्स 50, 25, थोड़ा इसके सामने होगा, और ये कितना होगा 15 छक्का 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और ये क्या 35 3 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 390, और बारंबारताओं का योग कितना है 20 है। सूत्र होता है यक्स बार बराबर सिग्मा यफ यक्स बटे सिग्मा यफ, तो सिग्मा यफ यानी बारंबारताओं का योग 20 दिया है, और ये 390 डिवाइड करेंगे तो 19.5 आ जाएगा। ये आपका 12वां प्रश्न हो गया। अब चल रहे हैं अगले पेज पर, 13वें प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसी से मिलता जुलता, पूरा तैयार करिए। 13वां प्रश्न, 3 cot θ = 4, तो cosec थीटा का मान होगा, इसी प्रकार का प्रश्न 24 में आ रहा है, तो थीटा का मान, cosec थीटा का मान, तो देखिए यहाँ दिया 3 cot θ = 4, और cot θ = 4/3 यानी आधार बटे क्या होता है लंब, ये होता है आपका cot। कर आ कोशिक का मान क्या होगा, तो देखिए चित्र बनाएंगे, पहले चित्र बना लीजिए, यहाँ थीटा लिखा जाए और लंब कितना हो गया आपका 4, लंब कितना हो गया 4 हो गया, नहीं सॉरी आधार 4 और लंब कितना होगा 3 होगा, सॉरी आधार 4 लंब 3, और ये आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 × 9 = 16 अंडर रूट बराबर आ जाएगा 25 और 5 आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, तो हमें निकालना क्या है, क्या दिया है प्रश्न भाई, कोशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ये होता है कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, कौन सा विकल्प सही है भाई, सी 5/3, इसी प्रकार का प्रश्न, इसी से मिलता जुलता इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। 13 हो गया, 14 देखिए, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, आयतनों का V1 × V2 = 27 / 64 दिया, यानी V1/V2 दिया है 27/64, और यस पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले का मान लेते हैं S1 है, दूसरे का S2 है, ये हमें निकालना है, इसी का अनुपात निकालना, संबंध निकालना है, तो मान लेते हैं पहले गोले के लिए V1 = 4/3 πr1 3 होता है, ये आयतन होता है, दूसरे का होता है V2, इसका भी सूत्र वही होगा पाई, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R2 है, क्यू होगा, भाग दे देंगे, भाग देते हैं तो ये इतना कट जाएगा, यानी R1 3/R2 3, ये आ गया V1 / V2 कितना R1 3/R2 3, ठीक है, ये कट जाएगा इतना, और यही कितने के बराबर है 27/64, तो R1/R2 ऐसे लिख सकते हैं 3/4 का क्यू, ये 27 हो जाएगा, 64 हो गया, क्यू घन
घनमूल लेते हैं तो ये घनमूल आ जाएगा आर वन बटे आर टू बराबर तीन बटे चार। और देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यस वन बटे यस टू फोर पाई आर वन स्क्वायर ये होता है, पहले का हो जाएगा फोर पाई आर टू स्क्वायर दूसरे का हो जाएगा, ये इसे कट जाएगा आर वन बटे आर टू हम ऐसे लिख सकते हैं और तीन बटे चार स्क्वायर हो गया, ये हो गया नौ बटे सोलह। यानी यस वन संबंधे यस टू आ जाएगा नौ संबंधे सोलह, सोलह तो सोलह नौ संबंधे सोलह पहला ही सही है, ठीक है पहला ही सही है। अब देखिए इसमें आप पंद्रहवा आसान प्रश्न है, पंद्रहवा प्रश्न आपके सामने है, कुछ प्रेक्षणों के लिए बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 माध्यिका होगी। तो देखिए सूत्र क्या संबंध होता है, माध्यिका बराबर होता है माध्य धन बहुलक। तीन माध्यिका में दो बहुलक में दो का गुणा करें एक यहाँ कर दीजिए, ये होता है दो माध्य माध्यिक तीन माध्यिका, माध्यिका में तीन का गुणा कर देंगे माध्य में दो का गुणा कर देंगे बहुलक में एक का, समझ एक का नहीं किया जाता लेकिन कर सकते हैं, यही संबंध होता है। तो दो गुणे माध्य कितना दिया भाई, माध्य 27 दिया है, बहुलक कितना दिया है 45, ये आ जाएगा 54, ये आ जाएगा आपका 45, जोड़ेंगे 99 और माध्यिका तीन का क्या करेंगे ये आ गया, तो यहाँ से आप माध्यिका निकाल सकते हैं, माध्यिका खाली लिखते हैं 9 बटे 99 बटे 3 बराबर 33, बी विकल्प सही है। अब देखते हैं समीकरण के मूल होंगे, बहुत आसान प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न इसी से मिलता जुलता, इसी प्रकार से थोड़ा सा परिवर्तन होगा केवल, यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स प्लस वन, तो ये सरल करेंगे तो यक्स वन इसी का होल स्क्वायर है, इसी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग दोनों गुणनफल का दूना, यानी यक्स वन माइनस यक्स टू गुणनखंड करने पर ऐसे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यक्स वन और सॉरी यक्स माइनस वन एक, इसको हल करेंगे तो यक्स बराबर एक आ जाएगा, यानी पहला सही है। अब देखिए इसमें ये वाला प्रश्न देखते हैं, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 तो x का मान होगा समांतर माध्य x बार बराबर कितने हैं भैया 7, 13, 20, 17 प्लस कितना है 3x, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 पाँच से पाँच का भाग दे दिया जाए तो x बार हमें मिलेगा 5, ये हो गया। इन सबको यदि हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 17, 57। देखिए 3, 20, 40, 57 57 प्लस 3x, ठीक है। और ये 18 के बराबर दिया, x बार 18 के बराबर दिया तो 18 लिख देते हैं यहाँ पर, तो 18 पचे 90 57 प्लस 3x और 3x 90 माइनस 57 इधर करते हैं 3x करते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा 10, 3 और यहाँ बचा आपका 8, 3 यानी 3x, तीन का भाग दे दीजिए, सॉरी देखिए इसका गुणा करेंगे 90, ये अपनी जगह है, फिर से दोबारा से देखें इन जोड़ेंगे 57 प्लस 3x, इसका यहाँ गुणा करेंगे 57 प्लस 3x आएगा, इसको पक्षांतर करेंगे 33 घटाएंगे आएगा, और फिर क्या करेंगे x बराबर 33/3 बराबर 11, कौन सा सही है भाई ये x की वैल्यू। अब ये है प्रश्न आपके सामने 18वां, हल कीजिए x यानी x की वैल्यू निकालिए 3/x माइनस 2x बराबर 2/
यक्स, यक्स का गुणा कर देते हैं, यक्स का गुणा कर देंगे तो यक्स कट जाएगा, तीन आ जाएगा, टू यक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ यक्स कट जाएगा दो आ जाएगा, ऋण टू यक्स स्क्वायर बराबर दो माइनस तीन, टू यक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन, माइनस माइनस से कल कैंसिल, यक्स स्क्वायर बराबर एक बटे दो, यक्स बराबर अंडर रूट एक बटा दो प्लस माइनस वन अपॉन टू। कौन सा उत्तर सही है? ए विकल्प सही है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और हम 19वां प्रश्न आपको हल करने चल रहे हैं। तो इन भुजा इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों भुजाओं में अनुपात ये है, और क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपातों के वर्ग होता है। ए वन बटे ए टू बराबर जो भुजा है चार बटे सात का स्क्वायर कर दीजिए, 16/49, यानी संबंध निकालेंगे तो 16/49 आएगा। बी विकल्प सही है। लिखा है इसमें यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल तथा यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है, मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, r त्रिज्या हमने माना है, और परिमाप माने वही परिधि 2πr, ये दोनों समान है, यानी संख्यात्मक रूप से कह रहा है समान, तो बराबर कर दीजिए, पाई पाई से कटेगा, एक आर आर से कट जाएगा, आर बराबर दो आ जाएगा, तो डी विकल्प सही है। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न आएंगे समझ लीजिए। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर और दिखाते हैं अन्य प्रश्न आपके सामने कौन से हैं। या गया खंड ब, अब इसको वो तो मार्कशीट पर जाकर आंसर देना, इसको कॉपी मिलेगी तो देखिए प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे एकदम इसी से हो वो मिलता जुलता। तो दो दो नंबर के वो एक एक नंबर के थे, ये दो दो नंबर के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। देखिए कितना करना, सभी खंड करना, दो दो नंबर के हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ रहे हैं आगे। और 23वां देखिए, 5 खंडों को करना है, क्या खंड करना है, चार चार नंबर के, किन्हीं 5 खंडों को कीजिए, किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। और देखिए आगे, तो चार यहाँ हैं, दो यहाँ हैं, दो यहाँ पर हैं, ये आगे हैं, और ये अंतिम 6वां, 6 दिए हैं, 4 करना है। अब देखिए 23वां प्रश्न, यह करना या तो यह करना, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। 24वां देख सकते हैं, या तो यह करना या तो यह करना है। अब चल रहे हैं हम अगले पेज पर और अंतिम पेज पर। तो ये आ गया आपका, ये देखिए अंतिम प्रश्न, इसके बाद अंग्रेजी वर्जन के प्रश्न हैं, इसके बाद किसके प्रश्न हैं, अंग्रेजी वर्जन के प्रश्न, तो अगले वीडियो में रहेगा। नमस्कार।